महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, एनकाउंटर पर क्लेश। सुल्तानपुर टू बदलापुर, गुंडों पर सियासत भरपूर। क्या आपटी को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? योगी की एनकाउंटर नीति बिहार में जल्द होगी। अब इस तरह से अगर एनकाउंटर करने लगेंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। अपराधियों के एनकाउंटर पर बीजेपी जेडीयू में राज। जोगी जी की तरह इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही रहेगा। जो संधान में नहीं है वो नहीं लागू होगा। आज बात होगी अपराधियों पर एनकाउंटर वाली आफत की। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक गुंडों पर खाकी का कहर बरपा है। बदमाश एनकाउंटर में ढेर तो सियासत में शोर मच गया। घमासान का नया चैप्टर खुल चुका है। एक ओर विपक्ष यूपी में ठोको नीति के आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर सुशासन राज में अब एनकाउंटर की डिमांड होने लगी है। एनडीए की सरकार में ही आपस में जुबानी जंग की स्थिति है। इसी एनकाउंटर फाइल्स के संपूर्ण विश्लेषण के लिए मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। लखनऊ से वीरेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं और मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको हम पटना शशांक के पास भी लिए चलेंगे, उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊं। यूपी में एक के बाद एक अपराधियों का एनकाउंटर। उन्नाव के बाद गाजीपुर में बदमाश मुठभेड़ में ढेर। 1 लाख के इनामी शराब तस्कर जाहिद का एनकाउंटर हुआ है बदमाशों से मुठभेड़ में। पुलिस के भी 2 सिपाही घायल हुए। आपको बता दें कि बिहार के पटना का रहने वाला था जाहिद, आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या के आरोप में था फरार और उसके खिलाफ यह सख्त कार्रवाई पुलिस ने की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, गाजीपुर वाली घटना को लेकर और क्या पता चल पा रहा है? देखिए, गाजीपुर वाली घटना को लेकर एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर को लेकर राजनीति हो रही है। इसमें पता क्या करना है, एसटीएफ ने पता करके गोली मार दी और एनकाउंटर हो गया। रही बात एनकाउंटर के बाद की बदली हुई फिजा और सियासत की है, तो वो सियासत गरम है और गरम इस लिहाज से है कि यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसने इस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल उसका ये है कि जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर क्यों किए जाते हैं, पैसे और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर क्यों किए जाते हैं, ये एनकाउंटर निष्पक्ष क्यों नहीं होता है। लेकिन सवाल ये भी है एसटीएफ के सामने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, ये यक्ष प्रश्न है कि यूपी में अगर कानून व्यवस्था को ठीक रखना है, दुरुस्त रखना है, तो वह क्या करें? अगर गोली न मारें, ठोको नीति न करें, तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है और यहाँ जंगल राज कायम होता है। तो जो विपक्ष है वो कहेगा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, जैसा कि पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, यही योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार करते थे तो वो कहते थे कि यूपी में जंगल राज है, उसे आएंगे तो खत्म करेंगे और बाबा के शासन, बुलडोजर के शासन और कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी में 22 में दोबारा सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी। और एक जानकारी मैं दर्शकों को जरा पहले देना चाहता हूं, जो गाजीपुर वाली घटना है इसमें जाहिद का जो परिवार है एनकाउंटर से वो बिल्कुल अनजान था, ऐसा दावा किया गया है इस परिवार की तरफ से। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए जाहिद के पिता ने ये बात कही है, एनकाउंटर की जानकारी उन्हें नहीं थी। जाहिद के पिता ने कहा कि जाहिद से 10 साल से बातचीत नहीं थी। कल पुलिस भी आई थी आपके? हाँ, नहीं हुआ। कल पुलिस आई तो क्या बोली? बोले कि कोई पुलिस ने बोले, हम लोग सुने नहीं, हम तो सोए हुए थे। मेरे वाली साहब बोलिन था, पुलिस वाले बोलिन कि उसको काउंटर करिए, कहाँ है। अपने बेटे से कब आखिरी बार बात हुई थी? बात नहीं, हम लोग नहीं करते उससे कभी बात नहीं, 10 साल से उससे बात नहीं करते। शशांक के पास अब मैं आपको लिए चलता हूँ, पटना से हमारे साथ मौजूद है शशांक। शशांक, ये जाहिद के पिता का बयान हमने दर्शकों को सुनवाया, वो कह रहे हैं कि 10 सालों से इसे हमारा कोई संपर्क नहीं था, मतलब क्या परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था, ये जरायम की दुनिया में बहुत पहले से था?
देखिए, उनके पिता तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर की भी जानकारी मुझे नहीं है, 10 सालों से वो हमारे संपर्क में नहीं था, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, पुलिस आई थी, कुछ पूछताछ करके चली गई, क्या कुछ हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनको कोई चीज़ पता नहीं है। उनका तर्क हो सकता है, लेकिन फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, 1 लाख का उस पर इनाम था और लंबे समय से वो जो है यहाँ से फरार चल रहा था और एक के बाद एक ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बड़ी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा था। तो कल एनकाउंटर उसका हुआ है, लेकिन परिजन जो है ये शो कर रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि देखिए, सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं, एनकाउंटर का मुद्दा महाराष्ट्र तक गरमाया हुआ है, जहां बदलापुर कांड के आरोपी के पोस्टमार्टम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बदलापुर एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरोपी अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम हुआ, 3 डॉक्टरों के पैनल ने अक्षय का पोस्टमार्टम किया है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में अक्षय का पोस्टमार्टम किया गया, 3 डॉक्टरों के पैनल ने यह पोस्टमार्टम किया है और इसकी फाइंडिंग क्या होगी इस पर हम सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो बदलापुर एनकाउंटर से जुड़ा यह बड़ा अपडेट आपको बता दें। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बदलापुर एनकाउंटर पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेट सीआईडी करेगी अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच, एनकाउंटर की न्यायिक जांच भी होगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जांच के लिए ठाणे पुलिस ने सीआईडी को लेटर लिखा है, तो एनकाउंटर की न्यायिक जांच भी होगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आइए सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं, मृत्युंजय मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, पहले एसआईटी जांच की बात सामने आ रही थी, अब सीआईडी को पत्र लिखा गया है, न्यायिक जांच की बात भी कही जा रही है, और कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, कुल मिलाकर सरकार बहुत साफ, बहुत सोच समझकर कदम रखना चाहती है। इसका वजह यही है कि जिस प्रकार की राजनीति एनकाउंटर पर हो रही है, सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी मौका मिले और जो पीड़ित परिवार, या फिर हम कहें एनकाउंटर जिसका हुआ अक्षय शिंदे, उसका परिवार जो आरोप लगा रहा है कि उनके बेटे ने तो कभी पटाखे भी नहीं जलाए, तो वो गोली कैसे चलाएगा या बंदूक कैसे चलाएगा। तो अगर ऐसा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, तो सरकार नहीं चाहती है कि कल को कोई एनकाउंटर पर सवाल उठाए, और इसीलिए स्टेट सीआईडी से जांच कराने की मांग हो रही है। स्टेट सीआईडी जिसकी अध्यक्षता एक आईपीएस रैंक के अधिकारी करें और इस पूरे मामले की जाँच करें कि किस प्रकार से ये पूरा एनकाउंटर किन हालातों में हुआ। तो हमने तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाई कि जिस वैन में यह एनकाउंटर हुआ मुमरा बाईपास के पास, उस वैन को किस प्रकार से एक पंडाल में, एक टेंट में ढककर रखा गया था। दरअसल मुंबई में रिमझिम बारिश हो रही है, थाने में रिमझिम बारिश हो रही है, तो कहीं कोई जो सबूत हैं वो पंचनामा के दौरान मिस ना हो जाए, या फिर जो फॉरेंसिक की जांच होगी उसमें कोई सबूत ना मिस हो जाए, इसीलिए ये कदम उठाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार फूक फूक कर कदम रखना चाहती है, इसी वजह से अब स्टेट सीआईडी से जांच कराने की बात कर रही है, ताकि भविष्य में भी कोई एनकाउंटर का सवाल ना उठे। एक ही दिन अपराधियों के एनकाउंटर की गूंज बिहार में सुनने को मिलने लगी है, यहां भी दरअसल एनकाउंटर नीति लागू करने की मांग की जाने लगी है। हालांकि इस डिमांड पर बीजेपी और जेडीयू में ही तकरार की स्थिति है। और बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी के विधायक ने एनकाउंटर नीति की डिमांड की, योगी मॉडल से ही अपराध पर लगाम लगेगा, यह कहना है हरिभूषण जो कि विधायक है उनका। एनकाउंटर के मुद्दे पर बीजेपी से जेडीयू बिल्कुल अलग है, जेडीयू की राय बिल्कुल अलग सामने आ रही है। सरकार में वहां मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि बिहार में संविधान का राज है। जमा खान के बयान का मंत्री नीरज बबलू ने भी जवाब दिया है, एनकाउंटर संविधान के खिलाफ नहीं। जब तक यूपी की तरह, जोगी जी की तरह एनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा, तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही रहेगा। संविधान के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, संविधान जो कहता है उसके मुताबिक बिहार चलेगा, उसी मुताबिक हमारे नेता बिहार को चला, जो संविधान में नहीं है वो नहीं लागू है। एनकाउंटर संविधान के खिलाफ नहीं होता है, एनकाउंटर कोई प्ले प्लांट नहीं होता है, और एनकाउंटर कोई गलत नहीं है। अगर पुलिस वाले पे अपराधी गोली चला रहे तो पुलिस का भजन करेगा। शशांक के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ, पटना से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, ये जो हरिभूषण ठाकुर हैं बीजेपी के विधायक, ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल लागू करो, एनकाउंटर की नीति होनी चाहिए अपराध पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन जेडीयू की राय बिल्कुल इससे अलग है, यानी सरकार में ही दो धड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है बीजेपी और जदयू के बीच में। देखिए, जदयू ने तो साफ कर दिया कि यूपी की तरह एनकाउंटर मॉडल यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन ये पूरा बात कैसे सामने आया, अखिलेश पर्दे के पीछे की क्या बात है, मैं वो आपको बताता हूँ। दरअसल 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, नीतीश के पास गृह विभाग के अपराधी बेखौफ हैं, तेजस्वी इस मुद्दे को पकड़ लिए हैं, रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं,
बीजेपी विधायक क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता की खरी खोटी सुनने को मिल रही है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, पुलिस कार्रवाई करती नहीं है। बीजेपी को ये डर है कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और हम लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए हरिभूषण ने कहा कि यूपी की तरह बिहार में आप जो है एनकाउंटर मॉडल लाइए, जिस तरह से योगी सरकार ने वहाँ पर ये जो मॉडल चला रही है। जेडीयू जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, साफ तौर से कह दिया गया है कि कानून के हिसाब से ही यहाँ पे काम होगा, लेकिन अब टकराव बढ़ रहा है। नीरज बबलू ने साफ तौर पे कहा है कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है, जरूरत होगा तो यहाँ पर भी जो है एनकाउंटर मॉडल अपनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपस में सिर फुटौल चल रहा है और आरजेडी जो है आराम से चुटकी ले रही है, लेकिन देखिए अब नीतीश कौन सा ठोस नीति अपनाते हैं पर पॉलिटिकल रार की स्थिति है। वहीं यूपी में भी बदमाशों के एनकाउंटर पर आपको बताएं कि सियासी तकरार जोरों पर है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर में जाति धर्म से इसे जोड़ा है। पहले तो जाति वाला एंगल समाजवादी पार्टी के नेता लेकर सामने आ रहे थे, अब धर्म वाला एंगल भी जोड़ दिया गया है। कहा यह गया जाति धर्म देखकर ही एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हमारा सवाल वही होता है जहां जाति देख के, धर्म देख के, दल देख के राजनीति करने के लिए कोई पुलिस का इस्तेमाल करता है तो हम लोग सवाल उठाते हैं। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार अपराध के लिए काम करती रहेगी, अपराधी के साथ कोई रू रियायत नहीं होगी। हमारी सरकार न कोई जात है न धर्म है, केवल अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करने का काम कर रही है। जो नीति है ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, खत्म कर दो, ये सारी चीजें पूरी तरीके से पुलिस को निरंकुश किए हुए है। हर आदमी भयभीत है, आदमी डरा हुआ है। एक बार फिर मैं आपको लिए चलता हूं वीरेश पांडे के पास। और वीरेश, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर यही दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वोट की खातिर किया जा रहा है, चुनाव की वजह से किया जा रहा है, सियासत हावी है। पहले जातियों के खांचे में बदमाशों को बांटा गया, अब धर्म वाला एंगल सामने आ गया। देखिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एनकाउंटर की जो पॉलिसी है, मैं आपको बताऊं, वो योगी आदित्यनाथ का की यूएसपी है, इस सरकार की यूएसपी है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। बीच में उन्होंने उसे मध्यम कर दिया था, लेकिन उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने आया, और फिर सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली, और एक तरीके से हाई कमान ने जो रोक लगाया था एनकाउंटर की पॉलिसी पर, उससे उन्हें स्वच्छंद करते हुए, उन्हें अधिकार देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ, अंदर की खबर बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी आप अपनी शैली में अपने शासन को, अपने राज्य को चलाएं। योगी आदित्यनाथ की वो शैली है कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसे ऊपर या प्रदेश के बाहर कर दिया जाएगा, या तो वो ऊपर जाएगा या प्रदेश के बाहर जाएगा, ये उनकी शैली है। उसी शैली पर वो काम कर रहे हैं और निर्द्वंद होकर काम कर रहे हैं। ठोको नीति जारी है और आगे भी चलती रहेगी, और इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी, पक्ष विपक्ष के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन उपचुनाव होने हैं। यूपी में उपचुनाव एक तरीके से 27 के चुनाव का सेमीफाइनल है, इसलिए विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी, वो ये दिखाना भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के हर स्टैंड का विरोध करने का मादा, और उस पर हम प्रतिक्रिया देने की अपनी अधिकारिता रखते हैं, और वो नंबर दो की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस बसपा इसमें पिछड़ती जा रही है, वो ये साबित करने में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करने का हक है, मुझे है और हम कर रहे हैं। और से लेकर बिहार और महाराष्ट्र में भी सियासी बयानबाजी जारी है। बदलापुर एनकाउंटर पर भी जुबानी तीर चल रहे हैं। बदलापुर एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में सियासत, आदित्य ठाकरे ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा अगर फेक एनकाउंटर है तो भी मुद्दा ना बनाएं। कांग्रेस ने कहा कि संविधान में कानून के राज का जिक्र है। मैं यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न है। क्या आपटी को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? कल बदलापुर का बदला लिया गया, पूरे विपक्ष के लोग इसको फेक कर रहे हैं, फेक नहीं है, और अगर फेक है भी तो इसके ऊपर इतना बड़ा भी तमाशा नहीं होना चाहिए। संविधान बहुत स्पष्ट कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए, वो संजय निरुपम हो या कोई और हो। वो मोदी जी के खिलाफ एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, साहब आपके बस की नहीं है कि आप कानून दिलवा सको। एक बार फिर से मुंबई चलते हैं मृत्युंजय के पास। और मृत्युंजय, संजय निरुपम ने जो बयान दिया सीधे तौर पर, जो वो कह रहे हैं कि बदलापुर का बदला है, ऐसा लग रहा है कि इस एनकाउंटर के बहाने वोट बैंक की सियासत वो कर रहे हैं। देखिए,
अखिलेश, वोट बैंक की सियासत तो दोनों पक्ष कर रहे हैं। एक महीने पहले फ्लैशबैक में जाना चाहिए, जब ये घटना हुई थी। जब ये घटना हुई थी तब यही विपक्ष, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता मांग कर रहे थे कि आरोपी को तुरंत फांसी की सजा दो या फिर तुरंत उसे महीने भर के अंदर फांसी की सजा दो। और अब जब इनकाउंटर हुआ है तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें पता है कि ये शिंदे का विधानसभा क्षेत्र है, उनका इलाका है, उनका बेटा इसी इलाके से सांसद है, वहाँ पर उन्होंने ये काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाना चाहिए कि लाडली बहन योजना ही नहीं, एक सुरक्षित बहन भी यहाँ पर है महाराष्ट्र में, एक मैसेज देने का प्रयास है। और कुल मिलाकर हम समझ रहे हैं कि महीने भर बाद चुनाव है, तो जो पिछले महीने सरकार बैकफुट पर थी, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद सरकार को सिंपथी मिल रही है कि सरकार की, लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या सरकार सक्षम नहीं है, लेकिन अब इस घटना के बाद लोग हमने देखा कि पटाखे भी फूट रहे थे, ढोल ताशे भी बजाए जा रहे थे, बैनर पोस्टर लेकर तारीफ भी की जा रही थी। बिहार में एनकाउंटर के मुद्दे पर आरजेडी हमलावर है। आरजेडी ने कहा कि एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, एनकाउंटर केस की कहानी खत्म कर देता है। ये मनोज झा का बयान सामने आया है। अपराध की सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर गलत है, ये कहना आरजेडी के सांसद का है। एनकाउंटर होता है ना तो सच का भी एनकाउंटर हो जाता। कई परतें जो खुल सकती थी, कई सत्य जो उजागर हो सकते थे, उसका एनकाउंटर हो जाता है। अगर उन्होंने गलत किया है, दरिंदगी की है, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से कोई अगर करता है, पुलिस प्रशासन सरकार, तो ये भी सवाल खड़े करते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि एनकाउंटर के आश्रय दोनों तरफ से, पक्ष हो या विपक्ष, जमकर राजनीति हो रही है। बदलापुर कांड के आरोपी के एनकाउंटर में एक नया खुलासा हुआ है। इस एनकाउंटर को करने वाले पुलिस अधिकारी ने बयान दिया। एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने कहा कि आरोपी अक्षय ने पहले गोली चलाई। अधिकारी ने यह भी कहा कि साथियों को बचाने के लिए मैंने गोली चलाई है, यानी आत्मरक्षा वाली जो थ्योरी इस मामले में पुलिस दे रही है, उसी लाइन पर संजय शिंदे का यह बयान। आ रहे थे थाना की तरफ, तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के, जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की, और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है, तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई, जहां समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है कुशीनगर से। नौशाद और रफी खान, जाली नोट के कारोबार में समाजवादी पार्टी के इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, जाली नोटों के कारोबार में कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी बिहार से नेपाल तक इनका कारोबार फैला था, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। नौशाद और रफी, ये दोनों समाजवादी पार्टी में पोस्ट होल्डर्स थे, यानी बड़े पदों पर थे समाजवादी पार्टी में। इन दोनों को ही पकड़ा गया है, 10 और लोगों को पकड़ा गया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनका नेटवर्क बताया जाता है कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। कुशीनगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, पुलिस ने नकली नोटों के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, अंतरराष्ट्रीय गिरोह की कारगुजारी इससे आप समझ सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,62,000 के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 10 शातिरों की गिरफ्तारी हुई है, और इनके पास से अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये शातिर नेपाल के रास्ते जाली नोट का ये कारोबार कर रहे थे। आइए अब मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं, वीरेश पांडे के पास। वीरेश, समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बड़ी फजीहत का सबब है ये, क्योंकि इनमें दो ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े पदों पर आसीन हैं। ये दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, और इलायची के व्यापार के बहाने
जाली नोटों और अवैध हथियारों का धंधा कर रहे थे। बिहार के रास्ते नेपाल और विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है, जो पूछताछ में निशानदेही पर कई जगह छापेमारी भी की जा रही है, चाहे वो देवरिया हो, चाहे कुशीनगर हो और गोरखपुर हो। बिहार के कई जिलों में भी बिहार के पुलिस के संपर्क में है यूपी पुलिस, और नेपाल के पुलिस के अधिकारियों के भी संपर्क में है। विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है, और साथ ही साथ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का भी मामला मदरसों के जरिए ये भी सामने आ रहा है। सोर्सेज से खबर है कि पूछताछ में बहुत सारी चीजें रफीक उगल रहा है, बता रहा है कि वो किसके इशारे पर काम कर रहा था, तो ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। और जहां तक विदेशी फंडिंग का मामला है, क्या इसके संपर्क आईएसआई से रहे हैं, क्या इसके संपर्क गल्फ कंट्रीज की जो उन शक्तियों के साथ रहे हैं जो भारत विरोधी कामों में लिप्त हैं। हालांकि सोर्सेज से मेरे पास ये भी खबर है कि नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल उन चंद ऐसे बड़े लोगों के संपर्क में रफीक रहा है, इस बात का खुलासा कुछ दिन में हो जाएगा और पूछताछ की जा रही है, कड़ी तरीके से पूछताछ की जा रही है। और एक लंबा नेटवर्क है इसका, जो बिहार के आसपास के जिले हैं, साथ ही साथ नेपाल से सटे हुए यूपी के जो जिले हैं उसमें एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था, स्लीपर सेल के तौर पर यह काम कर रहा था, और यह एक सरगना की भूमिका में था। और सरगना इस लिहाज से था कि नकली नोट यानी 3000 नेपाली नोट भी इसके पास बरामद हुए हैं, और खासकर बिहार में यह नकली नोटों को सप्लाई करता था, और जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उन इलाकों में घुसपैठ करके इन जो नकली नोट है उनको भेजता था, और साथ ही साथ जो अवैध हथियार का धंधा था वो नेपाल के जरिए करता था बिहार के मार्फत, क्योंकि जो जिला है इसका कुशीनगर वो बिहार का बॉर्डर है, और इसका खासकर जो गांव है वो बिहार के बॉर्डर पर है। जानकारी जो आपने भी दी थी दर्शकों को उसके बारे में विस्तार से मैं बता दूं, दरअसल समाजवादी पार्टी नेता रफी खान की गिरफ्तारी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इलायची का कारोबार करता था ये आरोपी रफी खान, इलायची के कारोबार की आड़ में ही जाली नोटों का इसका धंधा फल फूल रहा था। असम से दिल्ली तक फैला है रफी का नेटवर्क। रफी खान पर जीएसटी की चोरी का भी आरोप लगा है। जो बरामदगी हुई है वो तस्वीरें आपके सामने है। वीरेश, ऐसा लग रहा है कि ये जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इलायची का कारोबार करता था, और उसकी आड़ में उसका ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, और हथियारों का जखीरा भी चूंकि मिला है, तो क्या कोई टेरर कनेक्शन भी सामने आ सकता है? देखिए, मैं सोर्सेस के हवाले से आपको बता दूं कि यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, यूपी एटीएस को भी लगा दिया गया, और केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके भी कान खड़े हो गए हैं कि राजनीति की आड़ में और इलायची के व्यापार के आड़ में जो रफीक है और उसका गुर्गा है, और साथ ही साथ उसके जो लोग हैं उसका नेटवर्क है, वो कहां तक फैला है। नेपाल भी विदेशी है, और नेपाल के जरिए वो कहां तक गल्फ कंट्रीज तक, आईएसआई तक, पाकिस्तान तक, बांग्लादेशी जो आतंकवादी संगठन है जिनकी नजरें भारत विरोधी गतिविधियों में लगी रहती हैं, जिनके हाथ हैं, उन हाथों तक ये पहुंचा है। क्या डी कंपनी से भी इसके रिश्ते हैं? बहुत सारे ऐसे जो परत हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं, और सोर्सेस से मेरे पास जानकारी है कि जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो भी लग गई हैं इस पूरे मामले की जानकारी के लिए। बिहार के पुलिस से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसका बड़ा नेटवर्क है। जब इसे पकड़ा गया तो मैं आपको बताऊं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर रसूखदार लोग कुशीनगर पहुंचे थे, ताकि इसे छुड़ाया जा सके, पैसे के बल पर छुड़ाया जा सके, धमकी पर छुड़ाया जा सके, अपने पावर के लिहाज से छुड़ाया जा सके। क्योंकि समझा जा सकता है कि इसके जो तार हैं वो कहां कहां जुड़े हुए हैं, कैसे रसूखदार लोगों के संपर्क में रहा है ये। और योगी सरकार का जो आज एक नया आदेश आया है उसकी जानकारी दर्शकों को मैं दे दूं, खाने पीने की दुकानों पर नाम जरूरी, मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट अब जरूरी कर दी गई है। गंदी चीजों की मिलावट पर योगी सरकार का यह सख्त रुख नजर आ रहा है, कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। होटल में सफाई मानकों का पालन अब जरूरी होगा, और मालिक के साथ साथ जो मैनेजर है उसकी भी नेम प्लेट अब आवश्यक है। तो योगी सरकार का यह नया आदेश सामने आ गया है कि मालिक और मैनेजर दोनों के नाम वहां पर लगे होने चाहिए, उनका संपर्क नंबर, उस फोन नंबर भी वहां पर होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं। वीरेश, जो कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा के दौरान एक फैसला लिया गया था, क्या यह उसी का विस्तार माना जाए, उसी का एक्सटेंशन है?
देखिए, जो कांवड़ यात्रा के दरमियान आदेश दिया गया था वो बैकफायर हो गया था, ये उसी को पुनर्जीवित करके एक नया आदेश के रूप में इसे सृजित किया गया है। और उस आदेश में और इस आदेश में अंतर क्या है, वो आत्मबल का है, वो तरीके से देखें तो दृढ़ इच्छा शक्ति का है, क्योंकि उस दरमियान 24 का रिजल्ट आया था जून में और योगी सरकार तमाम दबावों में काम कर रही थी। हाईकमान का भी दबाव था, सोर्सेस से मेरे पास खबर है, संगठन का भी दबाव था, लेकिन अब उन्मुक्त तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये दृढ़ इच्छा शक्ति पाल ली है कि जिस आदेश को उन्होंने कांवड़ यात्रा के दरमियान लागू किया था, अब इस आदेश को मैं लागू करता हूँ और किसी भी दबाव में ये आदेश अब वापस नहीं होगा। उच्च दस्त सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है, पंचम तल के यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसके लिहाज से अगर हम कहें तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अब ये जो आदेश हुआ है इसे वापस नहीं लेगी योगी सरकार। आपने जानकारी दी और बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर, लेबनान पर इसराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक की खबर मिल रही है। हवाई हमले में हिजबुल्ला के सैकड़ों ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसराइल के हमले में 492 लोगों की मौत हुई है, यह भी एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। तो लेबनान के खिलाफ आप देखिए, इसराइल की कार्रवाई लगातार जारी है और हवाई हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने एक बार फिर से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। 492 लोगों की जान गई है। ताबड़तोड़ स्ट्राइक की सूचना मिल रही है, यानी इसराइल का लगातार आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है इसराइल। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, किस तरीके से मिसाइलें वहां पर दागी गई हैं। तो लेबनान के में हिजबुल्ला को लगातार टारगेट करता हुआ इसराइल नजर आ रहा है और बहुत ही आक्रामक तरीके से यह कार्रवाई अब की जा रही है। जो खबर हमें मिल रही है, सिर्फ एक रात में 492 लोगों की जान चली गई। तो इसराइल का बदला लगातार जारी और आप देखिए किस तरीके से हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये हवा में आप देख रहे हैं मिसाइल, जब उस वक्त दागी गई थी वो चिंगारी जो आपको नजर आ रही है। इसराइल के लेबनान पर अटैक का एक और खौफनाक वीडियो आपको दिखाते हैं। बेरूत में दरअसल एक जर्नलिस्ट न्यूज चैनल के लिए लाइव डिबेट में बैठे हुए थे, इसी दौरान उनके घर पर मिसाइल आ गिरी। गनीमत यह रही कि इनकी जान बच गई है। ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से अचानक से वहां पर मिसाइल, उसके बाद वो घबरा गए, डर गए और वहां से आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां से वो जान बचाने के भागते हुए नजर आए। ये बेरूत की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार वहां पर न्यूज चैनल के लिए लाइव डिबेट के लिए बैठे हुए और अचानक इसी दौरान उनके घर पर मिसाइल आ गिरी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हिजबुल्ला और इसराइल में अब और ज्यादा तेज हो गई है जंग। लेबनान की ओर से इसराइल पर रॉकेट अटैक किया गया है। उत्तरी इसराइल में कई जगहों पर विस्फोट हुआ है, यानी वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसके पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि कैसे इसराइल ने हमला किया था हिजबुल्ला पर, 492 लोगों की जान गई थी। और अब यह देखिए खबर जो सामने आ रही है कि लेबनान की ओर से भी इसराइल पर अटैक किया गया है, रॉकेट दागे गए हैं। उत्तरी इसराइल में कई जगहों पर विस्फोट की सूचना मिल रही है। उस विस्फोट के बाद आप देखिए आसमान में ऊपर उठता यह धुआं नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उस विस्फोट के बाद किस तरीके के हालात थे। यह उत्तरी इसराइल का दृश्य आपके सामने है, वो खौफनाक मंजर जब वहां पर रॉकेट से अटैक किया गया। और अब अगली खबर, एनसीईआरटी की किताब को लेकर बाबा बागेश्वर का एक बड़ा आरोप सामने आया। तीसरी कक्षा की किताब के एक नए चैप्टर पर बाबा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। तो बाबा बागेश्वर की मांग, एनसीईआरटी की किताब से हटाया जाए ये चैप्टर, ऐसी सामग्री है जिससे लव जिहाद को उससे बढ़ावा मिल सकता है। ये गंभीर बात कही गई बाबा बागेश्वर की तरफ से। तो एनसीईआरटी की किताब को लेकर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।